Subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube. दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद रिजवान को बीच मैदान में नमाज पढ़ना पड़ा भारी। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था। लेकिन उसी क्रिकेट मैच के दौरान जब पाकिस्तान खेल रही थी, तब 10 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक के दौरान पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने ड्रिंक पीने की जगह सबसे पहले अपने खुदा को याद करना बेहतर समझा और उन्होंने क्रिकेट के बीच मैदान में काबे की तरफ रुख करके सारी दुनिया और भारत के 11 खिलाड़ियों के सामने नमाज पढ़ने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब सब खिलाड़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं, तब मोहम्मद रिजवान बीच में मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहम्मद रिजवान सारी दुनिया को भूलकर नमाज अदा कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान की यह वीडियो बहुत तेज वायरल हो रही है। वही मोहम्मद रिजवान के ऐसे नमाज पढ़ने को लेकर काफी कट्टरवादी सोच वालों को यह पसंद नहीं आया है और उन्होंने मोहम्मद रिजवान के बारे में बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करे हैं। वही कट्टरवादी सोच रखने वाले ठाकुर सूरजपाल सिंह लिखते हैं कि हर जगह यह कट्टरपंथी नहीं चलेगी, जय श्री राम। वही यशपाल सोलंकी लिखते हैं कि अब हम भी बीच मैदान में इन मूलों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपकी इनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर एक नमाज पढ़ने से इन कट्टरवादी सोच रखने वालों को इतनी मिर्चें क्यों लग रही है? अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं, तो मोहम्मद रिजवान की नमाज पढ़ते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इन शैतानों को और ज्यादा मिर्चें लगे। धन्यवाद।